हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अभी आप इस मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ये गाइस बता दूँ, ये चैनल बच्चों के बारे में है, बच्चों के रिगार्डिंग है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एजुकेशन रिलेटेड सारी वीडियोज़ होती हैं, उनकी वर्कशीट किस तरीके से आप पढ़ाएँ, गुड पेरेंटिंग, बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए इन फ्यूचर और मैं पहले भी ला चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियोज़ अपनी डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो है कि LKG में आप मैथ्स में किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं, मैथ सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाएं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है कि बच्चा आपके जब LKG क्लास में जाता है तो स्टार्टिंग में किस तरीके से है, बिल्कुल स्टार्टिंग से है। तो ये पार्ट वन है क्योंकि मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा होता है, जो भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या क्या मैथ्स में टॉपिक्स होते हैं। गाइस पार्ट टू मैं बाद में लाऊंगी, पार्ट वन जो है वो आप देखिए। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना गाइस अपना फीडबैक कि किस तरीके से है वीडियो, ठीक बन रही है क्या, आप और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं हर कमेंट रीड करती हूँ गाइस, तो आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। द वेरी फर्स्ट वर्कशीट है राइट मैच, मीन्स आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं एंड यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चा नंबर से ऑब्जेक्ट मैच करेगा। तो फर्स्ट नंबर है ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स बच्चों को पता होना चाहिए, ज़ीरो मीन्स नथिंग, नथिंग ज़ीरो मीन्स नथिंग, तो जहाँ भी नथिंग है बच्चा उससे मैच करेगा, दिस इज नथिंग। वन है तो बच्चा वन ऑब्जेक्ट फाइंड करेगा, हेयर इज वन। टू है तो देयर इज टू ऑब्जेक्ट लाइक दिस। एंड थ्री है तो बच्चा थ्री ट्राइंगल्स। आप साथ साथ बच्चों को शेप्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज सर्कल। फोर, वेयर इज फोर, हेयर इज वन टू थ्री फोर, बच्चा इस तरीके से काउंट करेगा एंड द फाइव फाइव बिल्कुल सामने ही है। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये वर्कशीट बना सकते हैं गाइस, आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं और एक बार आप पेंसिल से कराने के बाद इसको रब कर सकते हैं और दोबारा करा सकते हैं। वैसे भी ये जो वर्कशीट है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही कम टाइम में आपकी वर्कशीट बन जाती है और वन टाइम बनाने के बाद आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं गाइस। आप इसकी जगह कुछ स्टिकर, कुछ स्माइली, कुछ स्टार भी पेस्ट कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यू है। बट मैं आपको जितना रफ एंड टफ रखोगे बच्चों को उतना एंजॉय होगा, क्योंकि बच्चा आप रीयूज बना रहे हो, क्योंकि स्टिकर एक भी कम ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से आप ईजी शेप बनाएंगे, बच्चों को शेप की प्रैक्टिस भी होगी, दिस इज लीव, फ्लावर, सर्कल, ट्रायंगल एंड अगेन सर्कल। नेक्स्ट शीट है काउंट एंड राइट, बच्चा अब यहाँ पे पिक्चर्स को काउंट करेगा देन यहाँ पे उसको लिखेगा, व्हाट इज दिस, कितना ऑब्जेक्ट है वन। तो दिस करके बच्चों को वन बनाना आता है, वन टू टेन तक जब बच्चा काउंटिंग सीख लेता है तो बच्चा वन बनाएगा, दिस इज टू। आप सीरियल में नहीं, आप बीच बीच में भी देखते हैं, फोर नाइन एट थ्री एंड वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज फाइव। ये कुछ आपको सिर्फ सैम्पल्स हैं नंबर्स का, ऑब्जेक्ट का, आप अपनी तरफ से कुछ भी नंबर बना सकते हैं, कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द एक्टिविटी नेम इज वेयर एम आई, मीन्स बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं नंबर फाइव की, कि और इसकी जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे बच्चों को कई बार एट ढूंढने मुश्किल होते हैं, किसी बच्चों को नाइन नहीं आता तो आप वो नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फाइव लिखा है, तो आप क्या करेंगे बहुत सारे नंबर्स लिख देंगे और उसके अंदर फाइव बीच बीच में कहीं लिख देंगे। अब बच्चा फाइंड करेगा, बच्चे की देखो स्किल्स पावर कितनी स्ट्रांग हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन पावर कितनी स्ट्रांग हो रही है, बच्चा फाइव फाइंड करेगा, उस पर सर्कल लगाना है बच्चों को इस तरीके से, बच्चा फाइव फाइंड करेगा और उस पर सर्कल लगाएगा लाइक दिस। ओके नेक्स्ट एक्टिविटी है हाउ मैनी ऑफ दीज डज द बर्ड्स हैव, इस बर्ड में क्या क्या चीजें हैं, जैसे विंग्स हैं तो विंग्स कितनी है, बच्चे देखा विंग्स ये होते हैं विंग्स, तो वन एंड टू, बच्चा यहाँ पे टू काउंट करेगा। बीक चोंच वन, फीट टू, टेल वन, इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक्स हैं स्टार्टिंग में बच्चों को किस तरीके से आप करवाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलर ओनली फाइव स्टार, तो बच्चा कलर लेगा कोई भी और बच्चा इसको
नेक्स्ट वर्कशीट है गाइस कि कलर ओनली 5 स्टार। बच्चों को कहना है कि सिर्फ 5 स्टार्स पे ही कलर करना है, तो बच्चे इस तरीके से फाइंड करेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से बच्चा सिर्फ 5 स्टार्स पे ही कलर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलर द बैग्स दैट हैव 4 ऑब्जेक्ट, मतलब उस पे बैग पे कलर कीजिए जिसपे 4 ऑब्जेक्ट है, तो बच्चा इस तरीके से फाइंड करेगा ऑब्जेक्ट 1, 2, 1, 2, 1 and 4, तो जैसे 4 पे आएगा तो बच्चा 4 पे कलर करेगा। नेक्स्ट वर्कशीट इज ड्रॉ शेप, बच्चों को कहना है कि शेप ड्रॉ करनी है। अब शेप वो बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर है कि किस तरह की शेप है, वो सर्कल भी कर सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सिंपल इज स्टैंडिंग लाइन। बेसिक इज बच्चों को ये सिखाना है कि जितना नंबर लिखा है बच्चों को उतने ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। मीन्स 2 लिखा है तो लाइक 2 सर्कल, सर्कल ईजी होता है बनाना, मैं इसलिए सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। आप स्टैंडिंग लाइन, स्टार, कुछ भी ड्रॉ करवा सकते हैं। 5 तो 1, 2, 3, 4, 5, 3 1, 2, 3, 1, तो इस तरीके ये एक्टिविटी है गाइस। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी नेम इज आई स्पाई। बॉक्स में कुछ आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और वही ऑब्जेक्ट आपको नीचे भी शो हो रहे हैं गाइस, तो आपको बॉक्स में से काउंट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितने हैं। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर बच्चा काउंट करेगा। आप काउंट करने के लिए बच्चे के लिए इजी आप कर सकते हैं कि जब भी बच्चा किसी ऑब्जेक्ट पे पेंसिल रखेगा तो उस पर टिक लगा देगा 1, 2, 3। वो इसलिए कि बच्चा फिर उसको रिपीट नहीं करेगा, बच्चे ने टिक लगा दी फिर बच्चे ने वो बोल लिया 1, 2, 3, तो ये 3 है, यहाँ पे 3 बच्चा लिखेगा। सर्कल देखेंगे 1, 2, 3 and 4, बच्चा यहाँ 4 लिखेगा। लीफ कितनी है 1, 2, बच्चा यहाँ 2 लिखेगा। फ्लावर, फ्लावर इज 1, तो बच्चे ने 1 लिख दिया, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर। अब आप बच्चे को ये कहना है कि क्या करेक्ट नंबर है, व्हाट इज द नंबर। जैसे बच्चा ऑब्जेक्ट काउंट करेगा और बच्चे को फाइंड करना है कि कितने ऑब्जेक्ट है, या ये ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे 1, 2, 3, 4, तो वेयर इज 4, हेयर इज 4, तो बच्चा 4 पे सर्कल लगाएगा। 1, 2, 3, तो वेयर इज 3, हेयर इज 3। 1, 2, बच्चा 2 पे सर्कल लगाएगा। 1, 2, 3, 4, वेयर इज 4, हेयर इज 4, ओके गाइस। नेक्स्ट इज फाइंड मिसिंग नंबर। बच्चे को इस तरीके से काउंटिंग लिख के देनी है आपको, और जो मिसिंग नंबर है बच्चे को बोलना है कि आपको वो लिखना है। जैसे 1, 2 इज मिसिंग, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 8, 9, 10 लिखा हुआ है, तो कुछ मिसिंग नंबर बच्चे को आपको करके देने हैं, बच्चा वो लिखेगा, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज ये स्टैक काउंटिंग है, टेंस और वंस बच्चों को बताना है। टेंस बच्चों को पहले आप समझाएंगे, दिस इज टेंस है तो ये 1 ही काउंट होगा, और वंस में ये जो लूज ब्लॉक्स हैं इसको काउंटिंग करना है, ये वंस की फॉर्म में है, ओके गाइस। तो जैसे इस तरीके से बच्चा ये 1 लिखेगा यहाँ पे, और 1 ही बॉक्स है तो 1 यहाँ लिखेगा। 1, 10, 1, 2, 3, 1s। अब ये देखिए यहाँ पे 2 है, ये तो बच्चों को बोलना है कि 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो बच्चों को पहले क्लियर करना कंसेप्ट, देन ही उसे एक्टिविटी शीट देना। ये 2 लूज है तो यहाँ बच्चा 2 लिखेगा, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज आफ्टर, बिटवीन, बिफोर है ये। ये आफ्टर की एक्टिविटीज़ है, व्हाट्स कम आफ्टर। अभी बच्चा स्टार्टिंग में ही आफ्टर लिखना सिखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आपने पहले यहाँ पे काउंटिंग्स लिख दी है गाइस, और यहाँ पे फिर पूछा है बच्चे से, तो व्हाट कम्स आफ्टर 4, 4 के बाद क्या आता है। बच्चा यहाँ 4 देखेगा, उसके बाद क्या आता है 5, तो बच्चा इमीडिएट यहाँ 5 लिख रहा है। ये बिल्कुल इनिशिएट स्टेप बता रही हूँ मैं, जब बच्चा प्रैक्टिस हो जाए उसकी तब आप उसको ये लाइन ही देखे, सिंपल आप उससे पूछें कि किसके बाद क्या आता है। अब व्हाट कम्स आफ्टर 3, 4, व्हाट कम आफ्टर 2, 3। जब बच्चे को ये प्रैक्टिस हो जाए तो आप सिंपल उसको इस तरीके से, जैसे नेक्स्ट वर्कशीट आप दे सकते हैं, 5 बच्चा काउंट करके भी कर सकता है और इमीडिएट भी लिख सकता है।
तो इस तरीके से वर्ड्स का मास्टर बच्चा फिल कर लेगा, जैसे यहाँ पे 4, 5, 13 एंड 16। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट कम बिफोर। तो बिफोर भी आप इस तरीके से करा सकते हैं, बच्चे को यहाँ काउंटिंग लिख के दे दीजिए और स्टार्टिंग में इस तरीके से आप पूछिए और देन बच्चे को ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं। जैसे व्हाट कम बिफोर, आपने अपने ऑप्शन दे दिए 12 की 11, तो बच्चे को पता होना चाहिए दिस इज 12। व्हाट कम बिफोर 10, 9। व्हाट कम बिफोर 15, 14। ओके गाइस, द लास्ट एक्टिविटी इज मैचिंग सेम ऑब्जेक्ट्स। सेम ऑब्जेक्ट बच्चा मैच करेगा, टू सर्कल हैं तो टू सर्कल सेम का है, हेयर थ्री ट्राइंगल, हेयर इज थ्री ट्राइंगल, द सेम ऑब्जेक्ट, वन फ्लावर, वन फ्लावर एंड द फोर स्क्वायर। तो इस तरीके से गाइज आप अपने बच्चों को वर्कशीट बना सकते हैं जो बहुत इजी भी बन जाती है, टाइम भी बहुत कम लगता है इन सबको बनाने में, और ये सबसे बड़ी बात है रीयूज भी है। आप बच्चों को पेंसिल दे दिया, एक बार प्रैक्टिस करवा दी, आप उसको रब कर सकते हैं ओके इस तरीके से, और आप ये रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, तो आप इस तरीके से बच्चों के लिए एक्टिविटी शीट बना सकते हैं। इन फ्यूचर मैं इस तरीके से और एक्टिविटी लाऊंगी, किस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, ईजी एक्टिविटीज शीट और ईजी पिक्चर ड्रॉ, क्योंकि जो ज़्यादा ज़्यादा टाइम टेकिंग पिक्चर्स होती हैं उस तरीके से हम बार बार उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को एलकेजी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट में मैं आगे इस तरीके से इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस की भी शीट लाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो गाइज एंड अपना कमेंट ज़रूर लिखना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इन फ्यूचर आप किस पे वीडियोस, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा देखना चाहते हैं, या आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है या कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, और किस तरीके से वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मैं आपको ज़रूर टिप बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। I dream I know deep up my feelings.